तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सैमसंग की ऐप लॉन्च हुई गई है फाइंड ऐप करके, जो कि बहुत शानदार है अपने मोबाइल को फाइंड करने के लिए, या सैमसंग के जो भी आपके सैमसंग के डिवाइस है उसको फाइंड करने के लिए बहुत ही शानदार ऐप है दोस्तों। उसके अंदर एक कमाल का नया अपडेट आया और बहुत ही शानदार फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, जो कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। क्या ये नए फीचर है, कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी अपडेट है सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग फाइंड ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में चले जाना है। गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे तो माय अपडेट्स में, वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया ऐप का अपडेट मिल रहा होगा सैमसंग फाइंड ऐप का। अगर आपने इसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। अभी 1 month ये अबव ही इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अप्रैल को कब रोल आउट किया गया है, 4 अप्रैल को इसको रोल आउट किया गया है, जिसका अपडेट साइज है 68.32 MB का। इसका वर्जन नंबर है 1.1.14, ठीक है। अब इसको जब तक मैं अपडेट कर लेता हूँ और आपको नए फीचर बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप नए फीचर क्या दिया गया है, नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड फॉर वेयरेबल डिवाइसेस। मतलब कि अगर आपके पास सैमसंग की कोई भी डिवाइस है और अगर आप उसको भूल जाते हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन करेगा। जैसे मेरे पास ये सैमसंग की वॉच है, अगर मैं कहीं इसको भूल जाऊँ तो ये मुझे नोटिफिकेशन देगा, या फिर आपके पास सैमसंग के बर्ड्स होंगे तो आपको नोटिफिकेशन देगा, ये आपको वहाँ पर बता देगा। और उसके बाद इसमें एक अच्छा एक और ऑप्शन दे दिया गया, लॉस्ट मोड यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। लॉस्ट मोड की जब भी आपका मोबाइल कहीं गुम जाए तो ये आपको वहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन देगा, क्या देगा वो अभी देख लेते हैं। और उसके बाद सेट नोटिफिकेशन इंटरवल, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन का इंटरवल भी एड ऑन कर सकते हैं। तो यार फीचर सुनने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है। हम इसको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैंने कर लिया यहाँ पर इसको ओपन। तो इसको ओपन करने के बाद ये आपसे यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आपको जो परमिशन मांग रहा है आपको उसको अलाउ कर देना है बिना टेंशन, बिकॉज ये सैमसंग की ऐप है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप एक बार देख लो, उसके बाद उसको ऑन कर देना। लोकेशन को ऑल टाइम एक्सेस चाहिए था, मैंने उसको दे दिया है। अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब मेरी यहाँ पर 2 devices आपको दिख रही होंगी, गैलेक्सी मेरी वॉच 3 दिख रही है और फ़ोन दिख रहा है जो कि मेरा यही फ़ोन है। यहाँ पर अगर आप पहले ही आप देखेंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिंग कर सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे रिफ्रेश, उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऐड करना चाहे 46% बैटरी दिख रही है। और यहाँ पर आएगा नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि अगर मैं कहीं भी उसको छोड़ दूंगा तो ये मुझे नोटिफिकेशन दे देगा कि भैया आप अपनी वॉच को कहीं भुलाए। तो इस तरीके से ये फीचर काम करेगा। तो अगर आपके पास सैमसंग बड्स होगी तो सैमसंग बड्स के लिए आपको ये बता देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर दिस फोन दिया गया है, दिस फोन में भी आपको यही आपकी बैटरी बता रहा है और कहाँ पर है दिस फोन वो बता रहा है। लोकेशन यहाँ पर जो जो आपके पीपल्स यूज़ कर रहे होंगे आप उनको यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, उनके साथ डेटा जो भी शेयर करना हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद आएगा यहाँ पर मेन आइटम्स, आइटम्स में आएंगे तो आपका जो भी कोई गैलेक्सी की आइटम्स होंगी, स्मार्ट टैग्स वैग्स ये सब चीज़ें, बैग ये सब यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बात करें जो नए फीचर्स की, नए फीचर्स एक तो यही मिल गया है आपको कि नोटिफिकेशन कर आपको नोटिफाई कर दे जब भी आप लेफ्ट हो। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल रहा होगा लॉस्ट मोड करके। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट चेंजेस यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन व्हेन लेफ्ट बिहाइंड करके। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले आपको योर लोकेशन शेयरिंग डिवाइसेस, तो इसको ऑन कर देना है। अलाउ डिवाइसेस टू बी फाउंड, अगर जब भी आपका मोबाइल अगर आप घूम जाए, अगर लॉस्ट हो जाता है तो आप यहाँ पर अपने दूसरे पेयर डिवाइस पर उसकी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आपको उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इनक्रप्टेड फाइल ऑनलाइन, इनक्रप्टेड ऑफलाइन लोकेशन, तो जब भी ऑफलाइन लोकेशन होगी तो वो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। और इसके लिए आपको एक पिन बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी पिन सेट आउट किया है, आपको पिन सेट करना पड़ेगा और उस पिन पे आप यहाँ पर अपने ऑफलाइन लोकेशन सेंड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे नेविगेशन ऐप, तो नेविगेशन ऐप को आपको चूज़ कर लेना है, कौन सी नेविगेशन ऐप चाहिए वो डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे नोटिफिकेशन व्हेन समवन, जब भी आप इसको डालेंगे तो ये आपको बता देगा, जब भी कोई आपके मोबाइल की या फिर आपके लोकेशन को चेक करेगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन दे देगा सिक्योरिटी के लिहाज से कि भैया आपकी कोई लोकेशन को चेक कर रहा है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत शानदार दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर परमिशन आपको जो भी देनी है वो दे सकते हैं, प्राइवेसी नोटिस में नोटिस पढ़ सकते हैं,
जो लॉस्ट मोड दिया गया ना, तो दोस्तों लॉस्ट मोड उन्होंने वहाँ पर उसको ऐसा हाईलाइट करके नहीं बताया लॉस्ट मोड क्या है, बट लॉस्ट मोड का जो फीचर है वो आपको फाइंड ऐप में मिल जाएंगे। जैसे कि आपका मोबाइल कहीं घूम जाए तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, या आपकी घड़ी कहीं घूम जाए आप उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, मान लो आपकी घड़ी कहीं घूम गई है तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर उसका एड्रेस ले सकते हैं। जैसे मान लो आपकी घड़ी कहीं घूम गई वाले आ गया, तो आप यहाँ पर यहाँ क्लिक करके उसका लॉस्ट मोड पे पूरी एक जगह पहुँच सकते हैं। घड़ी आप, अगर आपका मोबाइल कहीं चला गया मोबाइल की लोकेशन तो आपकी इसी की रहेगी। उसके अलावा भी अगर आपको देखना है कि लोकेशन आपका मोबाइल कहाँ है या कैसा है, लॉस्ट मोड हुआ है, तो सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर अलाउज टू बी फाउंड पे क्लिक कर देना है। इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से अपने मोबाइल को फाउंड कर पाएंगे। अलाउ टू बी फाउंड मतलब चूज़ व्हेन डिवाइस यूर कैन फाइंड यूजिंग, जब भी आप ऑफलाइन होंगे तो ये ऑफलाइन में भी आपके डेटा को फाइंड कर लेगा, आपकी लोकेशन को फाइंड कर लेगा। तो फिलहाल यही ऑप्शन दिया गया है। नेविगेशन ऐप में भी आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऑप्शन, यही दो तीन नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले। और एक चीज़ और कर लेना यार, मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच।